गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ हसन। तो आज टॉपिक है कैट का। तो मेरी बहन आपको बताएगी कैट की कुछ मेन एक्सेसरी। जब तक मैं आपको दिखाता हूँ, तब तक आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। गाइस, आप अपने चैनल हमारे चैनल को लाइक करते रहिए, बस ऐसे ही देखते और फिर अपना काम करते हो। इतने तो देखते हो, टिकट इंसान देखते हो, क्या बनाते देखते हो, उनको क्यों करते हो, हमें भी करो ना साथ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ रायमा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मेरे भाई ने मेरे बारे में बताया कि मैं कैट्स के सेसेस में चाहिए। हाँ जी, मैं कैट्स की सेसेस बताऊंगी। तो सबसे पहले आपको चाहिए कैट कैलकुलेटर, या आपको कहीं से भी इजीली मिल जाएगा, रेनबो से मिल जाएगा, आपको ऑनलाइन अमेजोन पर मिल जाएगा, दराज पर, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं और कैश एंड कैश के एरिए जहाँ पर आपको मिल जाएंगे कैट की पेट की एसेसरी, पेट शॉप से मिल जाएंगे। और आपको चाहिए कैट का किटन है, तो आप छोटा सा टप ले लें उसका, जिसमें आप उसके लिटर को पोर कर सकते हैं इजीली। अगर कैट है तो बड़ा ले लें। और अगर आप चाहते हैं, आपकी चॉइस है, अगर आप नपाक का करते हैं कि हम रखेंगे अपने साथ सुनाएंगे तो नपाक हो जाएगी, उसे घर ले लें। तो अगर नकाब नपाक ना हुए तो आप उसको घर ले लें। वैसे तो मैं इसको अपने साथ लाती हूँ अपने कैट को, तो क्योंकि मुझे इतना वहम नहीं होता, बहुत से लोग होते हैं जिनको होता है, तो वो ले लें। और इसका आप ब्रश ज़रूर लें, क्योंकि आपके घर में जगह जगह बाल छोटी रहती है, जिससे आपके घर में किसी को भी इन्फेक्शन हो सकता है कैट का, और इसके बाल जाने से आपको सांस का मसला भी हो सकता है। तो आप प्लीज़ वीक में इसको एक दो बार ब्रश करा करें। और इसका कुछ मेन प्रॉब्लम्स होती हैं कि जो आप इसको वैक्सीन नहीं लगवाते, वैक्सीन लगवाया करें, वेट के पास लेके जाया करें, इसके नेल कट करा करें, इसके ईयर वॉश करा करें। इसको बहुत से लोग होते हैं कि वो इतने कुछ साफ होते हैं और वो ये करते हैं कि कैट्स को वीक के अंदर दो बार, तीन तीन बार नहला देते हैं, नहीं, मंथ के अंदर दो बार नहलाएं, एक बार। जब सर्दियाँ होती हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं कि सर्दियाँ जब तक चलती हैं तो दो बार नहला लें गर्म पानी करके। वैसे तो कैट को गर्म पानी करके नहलाते हैं, मगर सर्दियों में थोड़ा कर लें, क्योंकि सर्दियों में कम, गर्मियों में ज़्यादा, क्योंकि वो उनको पसीना आया होता है। और हाँ, जब उनको नहलाएं तो जब उनको नहलाएं आप, और उनको ऐसे बहुत सारे वो इशू आते हैं कि वो खुली